गुड मॉर्निंग। ये जो हमने क्वेश्चन शुरू किया है उसका सी पार्ट है। पहला पार्ट था डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सेकंड पार्ट था ड्रा स्केचेस फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एंड थर्ड पार्ट है गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इसमें से शॉर्ट आंसर दो भी निकलेंगे जिनमें से एक शॉर्ट आंसर पेपर में आता भी है, ये भी आ सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझाऊंगा मैं, जितना आप लोगों को पेपर में लिखने को बोलेंगे आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट डेफिनेशन है। दो प्रॉपर्टीज पहले जो डिफाइन करके दे दी वही आप लोगों को प्रॉपर्टीज में लिखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ। पहली प्रॉपर्टी, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इट इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व्ड, टू विच इफ वी ड्रा ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टू विच इफ वी ड्रा ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, ये पहली डेफिनेशन हमने की है, इसको आप लोग फिर से बताओगे। शाबाश बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज बेसिकली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व्ड, टू विच इफ वी ड्रा ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा, आप लोगों को यह भी मैंने डेफिनेशन बताई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व्ड ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो। दोनों डेफिनेशन कल मैंने अंडरस्टैंड कराया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व्ड ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर की। और तीसरी मैं आप लोगों को बताता हूं प्रॉपर्टी बेटा, यहां से समझाऊंगा भी, ये भी कल मैंने बताया था, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ये है, दूसरी ये है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा इसका रीजन है, ये मैं शॉर्ट आंसर आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, याद रखिए, कभी भी। इसीलिए आप लोगों को कल मैंने समझाया, जब भी आप लोगों ने देखा पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बाहर की तरफ, ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था अंदर की तरफ, ऐसे, ये कल आप लोगों ने देखा अंदर की तरफ। लेकिन कभी भी आप लोगों ने जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते थे ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से आता था ऐसे, लेकिन कहीं पर भी आप लोगों ने
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं देखा। रीजन क्या है अलग से बताऊंगा। नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, रीजन क्या है अलग से शॉर्ट आंसर पढ़ाना है। तीसरी, ठीक है, तीसरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां से ऑरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहां पर करती है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड सेट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और एंड कहां पर होते हैं, कहां पर बेटा, नेगेटिव चार्ज पर। इस ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एंड करती है बेटा कहां पर, शाबाश बेटा, एंड करती है नेगेटिव चार्ज पर। ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड सेट नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। याद रखिए, कहां से शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर। और एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर खत्म होती है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो परपेंडिकुलर बनाती है ऐसे, और जब नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है तो परपेंडिकुलर बनाती है। यहां पर भी 90 डिग्री होता है, यहां पर भी 90 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। यहां से भी ऐसे ही होता है, देखो ऐसे आता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है यहां पर। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जहां ऑरिजिनेट करती है वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और जहां पर टर्मिनेट होती है, जहां पर खत्म होती है, वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एट द चार्ज वेयर इट लीव्स एंड एट द चार्ज वेयर इट एंटर्स। दोनों जगह बेटा बनाती है ये 90 डिग्री का एंगल। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां पर भी 90 डिग्री पर निकलती है और यहां पर भी 90 डिग्री पर एंटर करती है, ये याद रखना। यह भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इधर देख लीजिए, एक ऐसे और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे है, इधर देखो, इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड या वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इनके बीच में गैप बहुत है। वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। देखो इधर क्लोज है, इधर क्लोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है बेटा, इधर स्ट्रांग होगा। जब दूर दूर जाओगे, इधर देख, इधर वाइडर है, ये रीजन वाइडर है, यहां पर वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन वाइडर नहीं है, क्लोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है बेटा। वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोज, शाबाश बेटा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां पर क्या होता है,
वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी, वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस रीजन में। देखो, वाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोज शाबाश स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब होंगी वाइडर तो वीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इस रीजन में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों है वीक, क्योंकि वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। इस रीजन में स्ट्रांग है, क्यों है स्ट्रांग, क्योंकि क्लोज है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को मैं यहां पर अगर ऐसे इधर देख लीजिए, ये बोतल जैसी है, आप लोग मुझे बता दीजिए कहां ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो पॉइंट इसमें बताता हूं, इधर देख लीजिए, यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है। किस पॉइंट पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहां पर क्लोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ए पर वीक है क्योंकि यहां पर वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। समझ आया बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। अब प्रॉपर्टी नंबर सिक्स्थ, आप लोगों को कल मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर देख लीजिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से दे एग्जर्ट लेटरल प्रेशर, ये इधर की तरफ चली गई, ये इधर की तरफ चली गई ऐसे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ऐसे आएगी, फिर रिपल्शन की वजह से ऊपर चली गई ऐसे, ये इधर से। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या एग्जर्ट करती है बेटा, लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। याद रखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती है, आपस में लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि दो इक्वल चार्जेस के बीच में होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, रिपीट करूंगा, आप लोग पहले देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर सेवंथ देख लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर, इंसुलेटर से पास हो सकती है। इधर देखो बेटा, पेज होगा, पेपर का पेज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से पास हो सकती है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर। अच्छा बेटा, एट्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। इधर देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आएगी,
इसके अंदर कुछ भी नहीं होगी, यहां ऐसे होगा। इसका मतलब हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। ये मैं आप लोगों को कैपेसिटर्स में पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा वहां पर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों को कंडक्टर के अंदर नहीं मिल सकती है। इसी के बेसिस पर हम कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर, ठीक है बेटा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। चलो फिर से मैं रिपीट करता हूं इन 8 प्रॉपर्टीज को और फिर आगे बढ़ेंगे। इधर देख लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व्ड टू विच इफ वी ड्राइव टेंजेंट एट एनी पॉइंट That will give the direction of electric field intensity at that point. मैंने tangent P पर बता दिया, तो P पर ये direction देगा electric field intensity की, ठीक है बेटा। Second, electric line of force is actually a path whether straight or curved on which a unit positive test charge moves if it is free to do so. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअल में एक ऐसा पाथ है जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलता है अगर इसको फ्रीली चलने दिया जाए। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। रीजन क्या है अलग से बताऊंगा। नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है दे ऑरिजिनेट्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लेकिन खत्म कहां पर होती है? शाबाश बेटा, खत्म नेगेटिव चार्ज पर होती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर at the charge where it leaves and at the charge where it enters. चाहे ये लीव करेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, चाहे ये एंटर करेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चार्ज को, लेकिन यहां पर जरूर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। ये प्रॉपर्टी है बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, इधर देखो यहां पर वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या शो करती है? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी लेकिन वो दूर दूर होंगी तो वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज होंगी तो वहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बताई ये बोतल टाइप की, बोतल के नेक में, नेक यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहां पर वीक होता है, क्योंकि यहां पर वाइडर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, बी पॉइंट पर क्लोजर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसलिए बी पर क्या होगा बेटा? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन ए पर वीक होगा, याद रखे बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exert lateral pressure, electric lines of force exert lateral pressure due to the force of repulsion. ये lateral pressure डालती है एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए ये ऊपर चली जाती है due to the force of repulsion between two similar charges. ठीक है बेटा। और electric lines of force can pass through an insulator. अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इनमें अगर बीच में हम पेपर भी रखेंगे लेकिन तब भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो जाएंगे इंसुलेटर। लेकिन याद रखना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट एग्जिस्ट
एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या है वो आगे पढ़ाऊंगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। 8 प्रॉपर्टीज आप लोगों को, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? जीरो। इंसुलेटर के अंदर पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर क्या रहता है? जीरो। लेकिन अगर इंसुलेटर है, अगर ये पेपर है, पेपर में आप लोग दिखा सकते हो ऐसे लाइने, लेकिन इसमें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना रहता है? जीरो। ठीक है बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर नाइन देख लीजिए बेटा। प्रॉपर्टी नंबर नाइन है, इधर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9, ये नेगेटिव चार्ज है। आप देखो बेटा, असली पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां से एरो होगा इधर से इधर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे के नजदीक आते थे, कल भी मैंने बताया, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट होती है, ये स्ट्रेट नहीं रहती है, ये कंट्रैक्ट होती है, ये कर्व बन जाती है, ये कर्व बन जाती है, क्योंकि ये दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रेट के बजाय कौन सी शेप लेते हैं? कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट साइडवेज भी बोलते हैं, कंट्रैक्ट साइडवेज और लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। समझ आया बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती है? कंट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली, ये ऐसे बंद जैसी जाती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती है, कर्व बन जाती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट साइडवेज डू और लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। आप लोगों को कोई भी 5 प्रॉपर्टीज पेपर में लिखने को बोलेंगे तो आप लोग इनमें से चूज करके कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कोई भी 5 प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। याद रखा बेटा, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू रिमेंबर। कोई भी 5 प्रॉपर्टीज आप लोग आराम से देखिए और करिए। ठीक है बेटा।